भारत के मेघालय इलाके में हर साल सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर हर महीने में एक ना एक बार बारिश हो ही जाती है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर इलाका गांव का होने की वजह से गांव के लोगों को खाना आग के चूल्हे पर बनाना पड़ता है। मैं कब से कह रही हूँ कि आप भी गैस चूल्हे का कनेक्शन ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्या? कई बार गैस एजेंसी जा चुका हूँ। इन गीली लकड़ियों से अब खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। इस तरह से तो गैस चूल्हा हमारे घर आने तक हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, और तब भी हमें कनेक्शन मिलेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर ये सरकारी योजनाएं हैं, पता नहीं हम तक पहुँचेंगी भी या नहीं। वैसे भी सरकारी योजनाएं कागजों पर पूरी होती हैं, वास्तविकता में नहीं। पर हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जंगल में सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी है। आप ही बताइए मैं गीली लकड़ियों से खाना कैसे बनाऊंगी। रोटियाँ धुएं की वजह से आधी कच्ची ही रह जाती है और चावल भी अधपके रह जाते हैं। मैं आज एक बार फिर से जाकर पूछता हूँ कि हमें गैस सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। कहीं हम लोग गैस सिलेंडर का सपना देखते देखते सचमुच बूढ़े ना हो जाए। ओमकार अपने साथ कुछ और गांव वालों को लेकर गैस एजेंसी के लिए निकल जाता है। सभी गांव वाले कई दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं, पर अभी तक किसी को भी गैस का कनेक्शन नहीं मिला है। अब बहुत बहाने सुन लिए ओमकार भाई उस दिन से एजेंसी वालों के। आज तो हम लोग कंफर्म करके ही एजेंसी से निकलेंगे कि हमें गैस सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। हाँ हाँ जरूर, मेरी भाभी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है कि गैस सिलेंडर कब आएगा। अब तुम ही बताओ बहन, भला ये सब मेरे हाथ में है क्या? वो बेचारी भी तो मेरी तरह गीली लकड़ियों पर खाना बनाकर परेशान हो चुकी होगी भाई। तुम क्या जानो हम औरतों को कितनी परेशानी होती है लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने में, और ऊपर से अगर लकड़ियाँ भी गीली हो जाए तो सिर दर्द हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे घर में गैस सिलेंडर आ जाए, इसीलिए तो पिछले महीने से लगातार गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहा हूँ। तुम तो देख ही रही हो ना। हम लोग उम्मीद लगाकर तो जा रहे हैं, पर पता नहीं आज उन लोगों ने हमारे लिए क्या नया बहाना सोच रखा होगा। सही कहा बहन तुमने, बहाना तो तैयार होगा उनका, पर क्या नया बहाना बनाकर रखा होगा ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। चलो पहुँच ही गए हैं। ओमकार, सरिता और बाकी गाँव वाले गैस एजेंसी में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्कर है, बाकी सभी लोग गायब हैं। क्या आप बता सकती हो कि हम लोगों को कब तक कनेक्शन मिलेगा? ये डिटेल्स तो मैं आपको नहीं दे सकती। आप लोग तो देख ही रहे हैं ना कि सभी सर लोग छुट्टी पर गए हुए हैं। ये सारी जानकारी तो उन्हीं के पास होगी ना। अच्छा, कब तक आएंगे आपके सर लोग? ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी, क्योंकि ये बात खुद मुझे भी नहीं पता है। बहन तुम तो देख ही रही हो कि हम सभी लोग पिछले कई महीनों से आपकी एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, पर आज तक हम में से किसी को भी गैस का कनेक्शन नहीं मिला। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं इन सब में क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ में कुछ रहता तो मैं जरूर आप लोगों की मदद करती। तुम भी एक औरत हो बहन, और ये बात तुम तो अच्छे से जानती होगी कि लकड़ी के चूल्हे पर बारिश में खाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। पर शायद जब से एजेंसी वालों ने तुमको गैस का कनेक्शन दिया है, हम लोगों की तकलीफ समझने में असमर्थ हो गई हो तुम। चलो भाइयों चलते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये गैस एजेंसी कभी हमें गैस कनेक्शन दे पाएगी। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम लोग जंगल से गीली लकड़ियाँ लेकर उन पर ही खाना पकाएं। सरिता, ओमकार और बाकी सभी गाँव वाले गैस एजेंसी से वापस चले आते हैं। अब सभी गाँव वालों ने गैस कनेक्शन मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, सरकार की योजनाएं तो घुसखोर अफसरों तक सीमित रह गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार ने जो गैस कनेक्शन हमारे लिए दिया था वो जरूर इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिए होंगे, और अब बहाने बनाकर हमसे किनारा कर रहे हैं। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से तो गैस नहीं बना सकते ना। अगर हमारे हाथ में होता तो ये काम भी हम खुद ही कर लेते। सरिता उदास चेहरा लेकर घर जाती है, और उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी सिमरन उसकी उदासी का कारण पूछती है। सरिता अपनी बेटी को सारी बातें बताती है, जिसे जानने के बाद सिमरन उसको बायोगैस प्लांट के बारे में बताती है।
सरिता बायोगैस प्लांट के बारे में सिमरन से सब कुछ पता करती है और सभी गांव वालों को इस बारे में बताती है। भाइयों और बहनों, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने गैस एजेंसी के कई चक्कर लगा दिए पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पर आज मुझे बायोगैस प्लांट के बारे में पता चल गया है। इससे हम अपने लिए खाना बनाने के लिए LPG गैस खुद ही तैयार कर सकते हैं। हमें किसी सरकार या एजेंसी वालों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता सभी गांव वालों को बायोगैस प्लांट के बारे में समझाती है और सभी को ये योजना बहुत पसंद आती है। अब सभी लोग अपने अपने घर की लकड़ी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा लकड़ी का सिलेंडर बनाते हैं और इसमें अपने अपने घरों का कूड़ा कचरा और सभी बेकार की चीजें डालते हैं और उसको पानी से भर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सारा कचरा सड़ जाता है और उससे गैस निकलने लगती है। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारे बायोगैस प्लांट से गैस निकलना शुरू भी हो गया है। अब जल्दी ही हमें लकड़ी के चूल्हे और गीली लकड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। ओमकार रात को खाना खाने के बाद सोने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक टूटे हुए तारे पर पड़ती है। वो जाकर उस जादुई गर्म तारे को लेकर आता है और उसको अपने बायोगैस प्लांट के अंदर डाल देता है। जादुई तारा प्लांट के अंदर जाने से प्लांट के अंदर डाली हुई सभी चीजें जल्दी जल्दी सड़ने लगती हैं, जिस वजह से प्लांट से तेजी से गैस निकलने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हमारे बायोगैस सिलेंडर से तो बहुत ज्यादा गैस निकलने लगी है। चलो, मैं जल्दी से गांव वालों को बता देता हूँ। ओमकार सभी गांव वालों को इस बारे में बताता है और सभी लोग लकड़ी के सिलेंडर के पास आते हैं और देखते हैं कि सिलेंडर से तेजी से गैस निकल रही है। सभी लोग उस सिलेंडर पर एक एक पाइप जोड़कर अपने घर के किचन में कनेक्शन ले जाते हैं और उसको अपने लकड़ी वाले चूल्हे पर ही फिट कर देते हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आप लोग अपने लिए गैस खुद ही बना सकते हो और आपने ये कर दिखाया। हाँ बेटा, पर ये सब तुम्हारे आइडिया की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इसलिए सभी गांव वालों की तरफ से तुमको बहुत बहुत थैंक यू। कोई बात नहीं माँ, मैं भी तो इस गांव का ही हिस्सा हूँ। और हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ हाँ, अब तो गैस कनेक्शन भी आ गया है। मैं जल्दी से तेरे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। वैसे भी गैस का उद्घाटन तुमसे ही होना चाहिए। सरिता सिमरन के लिए गैस चूल्हे में आलू पराठे बना देती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब सभी गांव वाले अपने घरों और आसपास का कूड़ा कचरा बायोगैस सिलेंडर में डाल देते हैं, जिससे सभी गांव वालों को खाना बनाने के लिए गैस मिलती है और उनका गांव भी साफ हो जाता है और सभी गांव वालों को लकड़ी के चूल्हे से छुटकारा भी मिल जाता है। हरिया और धारा एक गरीब दाम्पति थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी, 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है, 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिकर मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था।
इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है जी? 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है, इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुल देवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था, उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके, अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था, बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो, बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका, मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के सपने में उसकी कुल देवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियाँ ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता, ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा, अब तू स्कूल जा सकता है, वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत, ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम, मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ बनाएंगे, बिल्कुल। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है, क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1,000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1,000 रुपए मिले थे,
इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया। हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1,000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है। सुरेश एक सुतार था जो जंगलों से लकड़ियां लाकर उनसे खूबसूरत फर्नीचर बनाया करता था। सुरेश की कला अप्रतिम थी, पर उसे कभी भी अपने काम का सही मोल नहीं मिला। सुरेश भाई, मैं इस टेबल के बस 1,000 रुपए ही दे पाऊंगा। ठीक है भैया, चलेगा। सुरेश महीने भर में बस 2 या 3 हजार रुपए ही कमा पाता था और वो सारे पैसे अपनी पत्नी शोभा के हाथ में रख दिया करता था। ये ले, इससे घर का राशन ले आ। ठीक है, पर अब आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। सच्ची? हाँ। शोभा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। धन्यवाद शोभा। अब ज्यादा क्या, मैं दिन रात काम करूंगा, अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दूंगा। तू चिंता मत कर शोभा, और आज से घर के भी सारे काम मैं ही करूंगा। अरे नहीं नहीं, घर के काम मैं ही कर लूंगी। वैसे भी काम करना बच्चे के लिए अच्छा है। तुम तो बस खाना बनाना, बाकी तो मैं ही करूंगा, और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सुरेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसी दिन से उसने घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। अगर शोभा किसी काम को हाथ लगाती तो सुरेश उसे डांटा करता था। शोभा, तुम्हें मना किया है ना ये सब करने से। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। पर आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, पर ये तुम्हारे लिए अच्छी है और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अब जाओ, बैठो वहां। डांट सुनकर शोभा एक कोने में बैठ गई और सुरेश ने सारे काम निपटा दिए। सारे काम खत्म करके सुरेश शोभा के साथ बैठ गया और ढेर सारी बातें करने लगा। दोनों अपने होने वाले बच्चे का सोचकर ही बहुत खुश थे। सुरेश अपने सुतार का काम भी करता था और घर का सारा काम भी, पर वो बहुत खुश था। समय बीता और शोभा ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुरेश ने अपनी बच्ची को गोद में लिया और उसके आंसू बहने लगे। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। सुरेश ने अपनी बच्ची का माथा चूमा। ये सुरेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था।
कुछ दिनों बाद सुरेश और शोभा अपनी बेटी को घर ले आए। अब सुरेश सारा समय बच्ची के आसपास ही रहता था। ये गर्मियों का मौसम था और सुरेश की नन्ही परी गर्मी से परेशान थी। उआ, 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 उआ। ये क्यों रो रही है? क्या इसे भूख लगी है? नहीं, अभी तो दूध पिलाया है। तो फिर ये रो क्यों रही है? शायद इसे गर्मी लग रही है। शोभा ने बच्ची को लपटा हुआ कपड़ा खोला और बच्ची थोड़ी सी शांत हुई। कुछ देर बाद वो वापस रोने लगी। उआ, 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 उआ। अस्पताल में पंखा था, वहाँ ये चुपचाप सोया करती थी। यहाँ हमारे घर में फैन क्या, बिजली का भी अता पता नहीं है। मैं भी आता हूँ। सुरेश अपनी पड़ोसी के घर गया और उसने बिजली की बात की। उसका पड़ोसी बिजली देने के लिए तैयार हो गया। सुरेश को हर महीने पड़ोसी को 300 रुपए देने थे। बिजली की एक तार सुरेश पड़ोसी के घर से अपने घर तक खींच लाया और उस पे बल्ब लगा दिया। बिजली तो आ गई, अब फैन खरीदना होगा। फैन कम से कम 1000 रुपए का तो होगा ना? सुरेश ने अपनी जेब टटोली तो उसके पास केवल 100 रुपए थे। कोई बात नहीं, अब जब कोई पैसे आएंगे तो आप फैन खरीद लेना। सुरेश ने बच्ची की ओर देखा। बच्ची गर्मी से परेशान थी। मैं देखता हूँ, कहीं पुराना फैन मिलता है क्या? ठीक है। सुरेश कबाड़ी की दुकान में पहुँचा। अरे भैया, आपके पास कोई पुराना पंखा है क्या? हाँ एक, लेकिन उसकी बॉडी खराब है, पर मोटर चल रहा है। तुम्हें चाहिए तो ले लो, बॉडी बदल लेना। कबाड़ी ने सुरेश को एक पुराना सीलिंग फैन दिखाया जिसकी बॉडी टूटी हुई थी। क्या दाम है इसका? वैसे तो 100 रुपए है, पर इसकी बॉडी इतनी टूटी हुई है इसलिए तुम 50 रुपए दे दो। ठीक है। सुरेश ने उस आदमी को 50 रुपए दे दिए और वो फैन खरीद लिया। फैन खरीद कर सुरेश हार्डवेयर की दुकान पर गया। अरे भैया, इस पंखे की बॉडी और ब्लेड कितने के पड़ेंगे? अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, इसकी बॉडी तो बहुत महंगी है। बॉडी और ब्लेड मिलाकर 1000 रुपए लगेगा। क्या? 1000 रुपए सुनकर सुरेश चौंक गया। इतने सारे पैसे वो कहां से लाता? इसलिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। आप पंखा ले आए? ले तो आया, पर इस पंखे की बॉडी टूटी हुई है और इसमें नए ब्लेड लगेंगे और उसका दाम 1000 रुपए है। बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरेश ने उस पंखे को जमीन पर रख दिया और सोचने लगा कि वो उस पंखे के साथ क्या कर सकता है। अगर मैं इस पंखे की बॉडी और ब्लेड लकड़ी से बनाऊं तो? क्या ऐसा बन सकता है? मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना, और वैसे भी गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान है। सुरेश पंखा लेकर बाहर आया और अपने सामने पड़े लकड़े के तने से पंखे की बॉडी बनाने लगा। वो बहुत बारीकी से काम करता रहा और कई घंटों बाद आखिर उसने लकड़ी से बॉडी और ब्लेड बना दिए। उसने पंखे को जॉइन किया। ये हुई ना बात। सुरेश अपने लकड़ी के पंखे को घर के भीतर ले गया और उसे छत से टांग दिया और बिजली का कनेक्शन कर दिया और फिर बटन दबाते ही पंखा घूमने लगा। अरे वाह! और रोती हुई बच्ची तुरंत शांत हो गई। मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ देखिए, ये चुप बैठ गई। भगवान करे मैं इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं और एक अच्छा बाप बन सकूं। आप अच्छे पिता हैं। बच्ची खुश थी और इसलिए शोभा और सुरेश भी खुश थे। अगले दिन उनके घर पे ग्राम पंचायत के ऑफिसर आए। क्या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ हाँ, अंदर आइए ना। वो ऑफिसर घर के भीतर आया। मुझे बेटी हुई है। कल जन्म हुआ है ना? हाँ। तभी ऑफिसर का ध्यान ऊपर घूम रहे लकड़ी के पंखे पर गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में लकड़ी का है? हाँ, मैंने खुद बनाया है। अद्भुत, बहुत खूब। मैंने पहले ऐसी लकड़ी की कला नहीं देखी। ये कला नहीं, मजबूरी है साहब।
सुरेश ने ऑफिसर को बताया कि क्यों उसने लकड़ी का पंखा बनाया। उस ऑफिसर ने लकड़ी के पंखे की और सुरेश के परिवार की एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त उनकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे क्या होगा साहब? क्या होगा तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वापस जरूर आऊंगा। लकड़ी के पंखे का फोटो और सुरेश की कहानी वायरल हो गई। लोग सुरेश की मदद करने आगे आ गए और सभी ने उस ऑफिसर के अकाउंट में पैसे भेजे। कुछ दिनों बाद वो ऑफिसर पैसों का बैग लेकर सुरेश के घर आया। तुम्हारी कहानी दुनिया भर को छू गई है और देखो सब ने तुम्हारी मदद करने के लिए कितने पैसे भेजे हैं। तुम अपनी बेटी को हर खुशी दे सकते हो। सुरेश और शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब होगा। सुरेश के परिवार की जिंदगी सवर गई। अब सुरेश ने अपनी बेटी के लिए हर सुख सुविधा खरीद ली थी। वो खुश था और ये सब बस उसके लकड़ी के पंखे की बदौलत।